ये जो सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, ये डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने की कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सारी प्रूवन टेक्निक्स हैं। और इफ़ आप इन टेक्निक्स को नेक्स्ट 10 डेज तक यूज़ करते हो, आई गारंटी यू डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो हाई गाइज, आई एम आयुष, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। गेटिंग टू द टॉपिक, हमने आज तक बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और उनको गाइडेंस भी दी, और इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने पर हमें एक चीज़ पता चली कि आज के समय की मेजर समस्या यानी 2022 की मेजर समस्या क्या है, आपको पता है? वो है डिस्ट्रैक्शन। ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि आज हर एक स्टूडेंट आज इस समस्या का शिकार हो रहा है। इलस्ट्रेट करता हूँ मैं एक एग्जाम्पल देकर, आप समझ जाओगे कि आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं या नहीं। क्या कभी आपका अचानक से पढ़ते पढ़ते मन करता है यार फ़ोन चेक कर लेता हूँ, या एक नोटिफिकेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है, बार बार दिमाग में आता है पढ़ते पढ़ते कि मैं फ़ोन चला लेता हूँ? अगर ऐसा होता है भाई आपके साथ, तो यार आप भी डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो चुके हो। ये समस्या आज 99% स्टूडेंट्स में आ चुकी हैं, और इसको डील करने के लिए आपको कोई नॉर्मल चीज़ नहीं यूज़ करनी, जैसे आप फ़ोन साइलेंट कर दो, फ़ोन हटा दो। यार ये चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में यूज़ की थी, इसका कोई आउटपुट नहीं आया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इसके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं, और इसको दूर करना बहुत ही सिंपल है। 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यदि रोज़ फॉलोअप करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से बिल्कुल चला जाएगा। स्टूडेंट, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, एक्चुअल कॉज क्या है डिस्ट्रैक्शन का, क्यों होता है हमें डिस्ट्रैक्शन? इसका साइंटिफिकली प्रूवन सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है टेक्नोलॉजी। दिस इज़ नॉट द कोइंसिडेंस कि जब आप लोनली फील करते हो या फ्री होते हो तो अचानक से आपका हाथ फ़ोन में चला जाता है, आप इंस्टाग्राम यूज़ करने लगते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, या टेलीग्राम पर आप चले जाते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी बनाई ही इस हिसाब से जाती है कि आप उसमें इन्वॉल्व होते रहो, ये रियलिटी है। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका खुद से 2 सवाल होगा कि भाई तू क्या कर रहा है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, और दूसरा सवाल होगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं। ये 2 सवाल आपको खुद से पूछना है। इन 2 सवालों को मिलाकर बताऊं आपको तो खुद से पूछना है कि मेरे लिए आज के समय में इंपॉर्टेंट क्या है। अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो ना मेरे भाई, तो रिग्रेट मत करना। रिग्रेट तो होता है ज़रूर, लेकिन रिग्रेट फील मत करना, बस वहीं से प्रेजेंट के टाइम का यूज़ करना। एक चीज़ बोल के जाऊंगा भाई कि लाइफ में सब कुछ रखना, रिग्रेट मत रखना। लाइफ की सबसे बड़ी खराब चीज़ रिग्रेट होती है। चलो अब चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। यहाँ से शुरू होता है आपका 10 डेज चैलेंज। ये एक साइकोलॉजिकल प्रूवन मेथड है, 10 मिनट का क्यूरियोसिटी रूल। 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल क्या आप लोग को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, वो फ़ोन एडिक्शन हो या किसी भी चीज़ की एडिक्शन निकालनी है, तो आपको 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल फॉलोअप करना है। ये कहता है कि मेरे भाई ये जो एडिक्शन है ना, ये एक वेव की तरह आता है। आओ समझाता हूँ। जैसे मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ऐसे वेव ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये इसका रहा मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। सेम वे में डिस्ट्रैक्शन होता है, वेव की तरह आता है और इसका जो मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है ना, 10 मिनट का होता है। अगर आपने इस पीक पॉइंट तक के टाइम को, जो कि कितना होता है, जो कि 10 मिनट होता है, अगर आपने 10 मिनट को झेल लिया तो आप पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्शन को झेल जाओगे। इस पीक पॉइंट के बाद ये जो डिस्ट्रैक्शन का वेव ग्राफ है ना, ये सीधे नीचे की तरफ जाता है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर आती है ना भाई, तो नीचे ज़रूर जाती है। लेकिन आप ध्यान रखो कि आप फर्स्ट डे अगर इस चैलेंज को अप्लाई करते हो तो आप 1 मिनट तक के ग्राफ को जाओगे, 2 मिनट तक के ग्राफ को जाओगे। बट 90% केसेस में ऐसा होता है कि आफ्टर 10 डेज आप 10 मिनट के पीक टाइम को अचीव कर जाओगे। मेजर रूल ये था डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने का, मगर मैं आपको टिप्स भी दूंगा, जैसे कि आप खुद को चैलेंज देना सीखो। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आप एक बुक लेते हो और खुद को चैलेंज देते हो कि हमें आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप कंप्लीट करके जाओगे? 100% चांसेस हैं कि आप करके जाओगे, है ना? अगर मैं एक नॉर्मल सी बुक लेके बैठता हूं तो क्या होगा, 10 मिनट तक आप पढ़ोगे फिर सोने लग जाओगे। तो चैलेंज देना सीखो, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चैलेंज दो, लेकिन चैलेंज ज़रूर दो। टिप नंबर 4, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आपको नींद आने लगती है, आप बोर हो जाते हो, तो उसकी एक टेक्निक बताता हूँ। मान के चलो आपके स्टडी टेबल के सामने एक दीवार है, रोज़ आप उसी दीवार को पढ़ रहे होते हो कि यार यही तो दीवार है, यही किताब है, तो आपकी सराउंडिंग में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता है, आपको मज़ा नहीं आता, आपको लगेगा कि ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। तो आप एक काम करो ना, अपनी स्टडी टेबल का डायरेक्शन चेंज करो। उससे क्या होगा ना, आपको लगेगा कि कुछ तो नया है, कुछ तो नया हुआ। जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो तो 1 मंथ तक एक्साइटमेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कुछ नया होता है। फॉलो करो, चेंजेस आएंगे आपकी भी लाइफ में। एट द एंड बोलूँगा यार, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, मगर अपने एक दोस्त को वीडियो शेयर ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि हमारा एक गोल है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तक जाने का, उनकी मदद करने का। थैंक्स एट द एंड।